सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, पिछले 4-5 दिन से कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, हेडेक, सारी दुनिया भर की बीमारियां मेरे को लग गई हैं। आज थोड़ा बहुत आराम है लेकिन इतना भी नहीं। संडे वाली वीडियो का असल में बहुत सारे लोग वेट करते हैं, इसलिए जैसे तैसे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। जो रेगुलर वीडियोज़ है वो मैं अपलोड कर ही नहीं पा रहा, आप लोग भी देख रहे हो कि 2-4 दिन से शायद कोई वीडियो नहीं डला है। कल मंडे को एक वीडियो आएगा जिसे मैं पहले बना लिया था, तो वो ज़रूर मैं पब्लिश करूँगा। ट्यूसडे का अगर तब तक तबीयत सही होगी तो रेगुलर काम शुरू कर दूँगा। न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई टाटा नेक्सॉन के प्राइसेस को 1,000 से 11,000 रुपये तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, 15 लाख रुपए की गाड़ी में 10-11 हज़ार रुपये बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बट डीजल इंजन, 5 डीजल वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 5 डीजल वेरिएंट्स को एक साथ डिसकंटिन्यू किया गया है। XE, XZ, XMA, XMAS, XZ और XZA+S। मैंने शायद 5 की जगह 6 गिना दी है, आप लोग देख लेना। बट 5 वेरिएंट्स को टोटल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पेट्रोल में ये मिल रहे हैं बट डीजल में नहीं है। तो डीजल इंजन की डिमांड कम से कम बेस वेरिएंट्स में नहीं है, ये साफ साफ यहाँ से समझ में आ रहा है। चाहे गाड़ी किसी भी कंपनी की हो, डीजल इंजन की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। और वैसे भी अब नए नए प्लान्स सरकार लेकर आ रही है और सारी कंपनीज लगी हुई हैं कि जैसे तैसे जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो सके। जिस तरह से पेट्रोल पंप्स मिलते हैं उस तरह से चार्जर्स मिलना शुरू हो जाए। देखते हैं ये सब चीज़ें वास्तविक ज़िंदगी में कब तक आ पाती हैं। BMW iX जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये 11 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। रेंज काफ़ी अच्छी क्लेम की जा रही है इसमें, 611 किलोमीटर की, 71 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 523 bhp की पावर जनरेट करती है और 765 Nm का टॉर्क। नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट इंडिया में आने वाली है। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 1.5 साल से मारुति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, एक के बाद एक नई गाड़ियों की खबरें आ रही हैं। अगले साल 2 से 3 प्रोडक्ट जिसमें कुछ फेसलिफ्ट भी हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी हैं, इंडिया में लॉन्च करने वाली ये कंपनी। 2024 में नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट आने वाली है और इससे संबंधित सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से इन्होंने सेलेरियो और सेलेरियो एक्स मतलब कि उसके स्पोर्टी वर्जन को लॉन्च किया था, उसी तरह से स्विफ्ट का भी एक स्पोर्टी वर्जन आ सकता है, या हो सकता है पूरी पूरी स्विफ्ट को ही स्पोर्टी बना दिया जाए। इसे एक क्रॉसओवर की तरह दिखाने की कोशिश की जाएगी जिसका नाम स्विफ्ट क्रॉस रखा जा सकता है। अंदाज़ा लगा रहे हैं, नाम कुछ भी हो, एग्जैक्टली कैसी दिखेगी कि कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही कहीं टेस्ट करते हुए देखी गई है। बस ये अंदरूनी खबरें हैं जो पता लगी है। नेक्स्ट जनरेशन एसक्रॉस को रिवील कर दिया गया। आप लोगों ने दुनिया भर का सब जगह देख ली होंगी इसकी इमेजेस, सपनों में भी मेरे को एसक्रॉस दिख रही है, इतनी ज़्यादा खबरें उसकी सब जगह घूमी हुई हैं। 2024 में सॉरी मैं थोड़ा पीछे चला गया था। इस एसक्रॉस मतलब कि जो ग्लोबल मार्केट में रिवील की गई है, इसमें 1.4 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन मिलता है 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौर आता है हर एक फीचर का, जैसे एक दौर आया था एक बार सनरूफ का कि भाई लोग बाग गाड़ी सिर्फ इसलिए ले रहे होते थे क्योंकि इसमें सनरूफ है, या वो वेरिएंट सिर्फ इसलिए ले रहे होते क्योंकि इसमें सनरूफ है। अब दौर आ गया है एडास का, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सेफ्टी का। ये फीचर हर कोई कंपनी देने में लगी हुई है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन एसक्रॉस है ना, इसमें भी एडास मिलने वाला है। मतलब मारुति की गाड़ी में एडास जैसा सेफ्टी फीचर, ये सब कुछ जो है ये कॉम्पिटिशन की वजह से है। जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है ना कंपनीज के बीच में, तो हम जैसे कंज्यूमर्स का फायदा होता है। तो ये वही फायदा है जो मॉरिस गैराजेस ऐसी कंपनीज, मतलब जो चाइनीज कंपनीज है, वो यहाँ पर आकर करती हैं। तो चाइना की गाड़ी खरीदो ना खरीदो, लेकिन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा तो कर ही देती हैं, कंपटीशन बढ़ा देती है मार्केट में। आगे बढ़ें तो दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स को 3 दिसंबर तक दिल्ली में एंटर होने के लिए बैन कर दिया है पॉल्यूशन के चलते। तो अगर आप अपना प्लान बना रहे हो, मतलब प्राइवेट व्हीकल्स एंटर कर सकते हैं, बट अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल है, आपकी टैक्सी वगैरह है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो बहुत ही प्रॉब्लम है, कुछ ही नहीं पाओगे। किया नीरो क्रॉसओवर को रिवील कर दिया गया है, सियोल यू भी कहो इसको, उसके मोटर शो में। ये गाड़ी इंडिया में भी आएगी 2023 में। ये इलेक्ट्रिक, इसमें मतलब 3 तरह के पावर ट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो हाइब्रिड भी है, पेट्रोल हाइब्रिड, और प्लग इन हाइब्रिड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, फुली इलेक्ट्रिक। तो तीनों ऑप्शंस हैं, अब तीनों में से कौन सा यहाँ पे आता है, मेरे हिसाब से तो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में आएगा 2023 तक। कि आगे काफ़ी सारे लंबे चौड़े प्लान से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर इंडियन मार्केट में। जेनेसिस जो कि हुंडई की एक प्रीमियम ब्रांड है, इसने एक इलेक्ट्रिक कार GV70 को गैंगजुआन मोटर शो में रिवील किया है। इसमें डुअल मोटर सेटअप मिलता है जो 482 bhp की पावर जनरेट करता है और 700 Nm का टॉर्क।
ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर पावर की स्पीड को 4.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और इसमें 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। अभी अभी मैंने दवाई खाई है तो काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे। आगे बढ़ें, उसके पहले ठंड लग रही थी, शरीर भी पलटने लगा है। ऑल न्यू फोर्ड रेंजर को रिवील कर दिया गया, हालांकि इस खबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इंडिया में नहीं आने वाली, हालांकि इंपोर्ट करके अगर इसको लाते हैं तो इतनी महंगी होगी कि वैसे कोई नहीं लेगा, खबर है। लेकिन बता रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आया करेगा, मतलब पेट्रोल डीजल में मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन भी इसका मिला करेगा। नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वर्ना को साउथ कोरिया में टेस्ट करते हुए देखा गया, इंडिया में नहीं, साउथ कोरिया में। ये जो नेक्स्ट जनरेशन वर्ना है, ये नेक्स्ट जनरेशन एलेंट्रा से इंस्पायर्ड होगी, तो बॉस ये देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाली है। इंडिया में भी आएगी ये 2023 तक, हाल फिलहाल तो नहीं। आगे बढ़े तो स्कोडा कोडियाक, जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, अब इसके फेसलिफ्ट को जनवरी में लॉन्च किया जाना है, तो जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म है। अब देखते हैं ये कोडियाक की क्वालिटी जो है ये कुशैक की तरह ही बनाते हैं या कुछ अच्छा करते हैं। इन लोगों ने भी कॉम्पिटिशन के चक्कर में क्वालिटी गिरा ली है। सिर्फ पेट्रोल में आएगी, डीजल डीजल में नहीं आएगी, तो उम्मीदें मत रखना डीजल की। भाई मारुति वाला हर जगह अपने पैर फंसा रहा है, मेरा मतलब है धंधा, बिजनेस, पैसा। मारुति सुजुकी और टोयोटा सूसो जो भी है, ये दोनों कंपनीज हर जगह दोस्ती बन गई इनकी। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग सेंटर को खोला है, जहां पर हर साल 24,000 गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, तो ये वहां से मटेरियल वगैरह यूज़ करेंगे। स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी है इंडिया में, अगर आप अपनी गाड़ी स्क्रैप कराते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपको अपनी नेक्स्ट नई गाड़ी जो है इसको खरीदने में आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, और भी छोटे मोटे एक आध दो फायदे हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो आप स्क्रैप करवा सकते हो, मैंडेटरी मतलब वॉलेंट्री है, मर्जी है तो कराओ। आगे बढ़ें तो ऑडी Q5 इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ये 58.93 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 63.77 लाख रुपीज़ तक की मिलती है। इसमें सिर्फ 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 249 bhp की पावर जनरेट करता है और 370 nm का टॉर्क। चाहे सस्ती गाड़ी हो या महंगी गाड़ी हो, हर कोई सिर्फ पेट्रोल इंजन में लॉन्च कर रहा है, डीजल इंजन सब लोग देना ही भूल रहे हैं। किया KY या फिर कहूँ किया कैरेंस, इसके इंटीरियर को देखा गया है, इमेजेस में आप देख पा रहे हो इसका इंटीरियर कैसे होने वाला है। 16 दिसंबर को ये ऑफिशियली अनवील होने वाली है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही में मिला करेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें दो तरह के सिटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, सीधी बात है, एक 7 होगा और दूसरा कैप्टन सीट्स वाला 6 सीटर होगा। फरवरी और मार्च में इसे लॉन्च किया जाएगा, अभी रिवील करने के बाद में। ऑडी Q5 e-tron जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, उसे चाइना में अनवील किया गया है, और ये इंडिया ने वाली है, ये चाइना के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। तो बात है कि मैं ये खबर बता के रहा हूँ, अगर ऐसा तो पता नहीं, लिखी हुई है तो समझ लो। अब दिल्ली में अगर आपके पास 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है, तब भी आप उसे चला सकते हो दिल्ली में, लेकिन उसके पहले आपको उसके डीजल इंजन को कन्वर्ट कराना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में। तो भाई अगर आप रखना चाहते हो, गाड़ी गाड़ी से प्यार है, लगाव है, तो आप रख सकते हो, लेकिन डीजल इंजन हटा के आपको इलेक्ट्रिक सेटअप पूरा पूरा उसमें लगाना पड़ेगा। अब ये भी गवर्नमेंट करके देगी या आप कहीं से भी लगवा सकते हो, जो भी कर सकते हो, ये डिटेल अभी तक नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो बनाना चाहती है। फरारी डेटोना SP3 लिमिटेड रन सुपरकार को रिवील कर दिया गया है, इसमें सिर्फ इसकी 599 यूनिट्स को बनाया जाएगा। इसमें 6.5 लीटर V12 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 840 bhp की पावर जनरेट करता है और 697 nm का टॉर्क। आगे बढ़े तो भाई काफ़ी सारी खबरें आ रही थी, मैंने भी आप लोगों को एक आध दो बारी बताया था कि जनवरी फरवरी या मार्च के टाइम पर अर्टिगा या फिर विटारा ब्रेजा में आपको डीजल इंजन देखने को मिल सकता है, लेकिन मारुति ने ऑफिशियली इतना बड़ा नो करा है कि भाई हम डीजल मार्केट में अब दोबारा एंटर नहीं होने वाले, ये सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां बनाएंगे और फिर एंटर होंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, डीजल से कोई लेना देना इनका नहीं है। नितिन गडकरी जी ने काफ़ी शानदार बात कही है, अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। इन्होंने बोला है कि 2024 तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कॉस्ट होगी वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बराबर होगी, मतलब कि आपको 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी। बट सवाल ये उठता है गडकरी जी, अगर इतने बजट में हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल भी जाती है जिसकी रेंज अगर 100-125 किलोमीटर ही होगी, तो कोई क्यों खरीदेगा? 100-125 किलोमीटर जब ऑफिशियली क्लेम की जाएगी तब जाके हमें कहीं 60-70 मिलेगी। अब जो गाड़ी एक बार फुल चार्ज करने पर 60-70 किलोमीटर चल सकती है, उसको लेकर घूमना सिटी में तो फिर भी ठीक है, बट हाईवे पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इतने कम बजट में ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे होंगी, ये गडकरी जी के पास शायद कोई प्लान होगा, बंदा तो है जीनियस। हुंडई अल्गजार सिग्नेचर ऑप्शनल पेट्रोल ऑटोमेटिक को 7 सीटर ऑप्शन में भी लॉन्च कर दिया गया, ये पहले सिर्फ 6 सीटर ऑप्शन में मिला करता था, तो इच्छुक थे तो ले लो। भाई ओप्पो जो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
ये अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाएगी और 2024 की शुरुआत में इसकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में आ भी जाएगी। तो आप देख रहे हो सब लगे पड़े हैं भाई। एक काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है या कह लो अफवाह है, टाटा पंच डीजल इंजन में लॉन्च होने वाली है। अब अफवाह है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसा पुख्ता चीज़ नहीं मिली है, कोई इमेज हो जिसमें लिखा हो कि डीजल है, ये है वो है। सिर्फ एक बंदा है जिसने पेट्रोल पंप पर पंच को डीजल भराते हुए देखा, तो उसने ये शेयर कर दिया और लोगों ने मान लिया कि हाँ पंच डीजल इंजन में आने वाली। लेकिन कोई भी इमेज ऐसी नहीं है जिससे ये क्लियर हो कि पंच डीजल भरा रही थी, और मुझे पर्सनली कोई लॉजिक भी नज़र नहीं आ रहा पंच को डीजल इंजन में लॉन्च करने का, क्योंकि एक तरफ आप नेक्सॉन के डीजल वेरियंट्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हो और दूसरी तरफ आप पंच को डीजल में लॉन्च करोगे, ऐसा कोई क्यों करेगा भला। तो भाई हो सकता है ये न्यूज़ जो है वो गलत हो और हो सकता है सही हो, भगवान जाने। लिमिटेड एडिशन रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन्स को अनवील कर दिया गया है। इसकी सिर्फ 480 यूनिट्स बनाई जाएंगी पूरी दुनिया के लिए। इन 480 में से सिर्फ 120 यूनिट्स इंडिया आएंगी, बाकी सब ग्लोबली निकाल दी जाएंगी। अगर इच्छुक हो तो 6 दिसंबर से इसको खरीद सकते हो। टीवीएस ने तमिलनाडु में 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है और ऑफिशियली प्रोसेस स्टार्ट हो भी चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको टीवीएस की जल्दी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्कूटर्स वगैरह, बाइक्स वगैरह देखने को मिलने वाली हैं। EICMA में रॉयल एनफील्ड ने SG650 के कंसेप्ट को रिवील करा है। ये एक 650cc क्रूजर बाइक है। इंडिया कब आएगी नहीं पता, पर आएगी जरूर। ओला के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो इस समय से उसकी डिलीवरी चालू होने वाली थी, लेकिन अभी वापस से मेरे ख्याल में दूसरी बार ओला ने अपने कस्टमर्स को बोला है कि भाई दिक्कत आ रही है पार्ट्स वगैरह में, तो जो डिलीवरी है वो दिसंबर 2nd हाफ तक हम डिले कर रहे हैं। अब वहाँ से डिलीवर होना शुरू होगी नहीं होगी पता नहीं, बट बात दिसंबर आखिर तक चली गई है। तो इस हफ्ते की न्यूज़ तो बस इतनी ही थी, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।